मेडिकल टीम पर पथराव में 7 महिलाएं व 10 पुरुष गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मेडिकल टीम पर हमला और पथराव करने के मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 200 अज्ञात लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मुकदमे में कहा है कि हमलावरों ने धारदार हथियार से लैस होकर मेडिकल टीम पर हमला किया था और छतों व गलियों से जबरदस्त पथराव भी किया। पुलिस ने इस मामले में जो गिरफ्तारी की है उसमें 7 महिलाएं 10 पुरुष शामिल हैं। वे सभी नागपनी एवं नवापुरा इलाके में रहने वाले हैं। एसपी सिटी ने बताया कि बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मामले के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आज नागपनी थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर जो हमला हुआ, क्या मामला दर्ज किया है, कितनी गिरफ्तारी हुई? ये आज स्वास्थ्य विभाग की टीम कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे हमला हुआ, उन पर पत्थरबाजी की गई, तो उसके बाद वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से कई लोगों को पकड़ा। अब तक कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें 7 महिलाएं हैं, 10 पुरुष हैं। अन्य लोगों की भी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। मौके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को ढूंढा जा रहा है, टीमें लगी हुई हैं। अन्य जो और भी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। फिर जो मामला दर्ज हुआ उसमें कितने नामजद और कितने अज्ञात लोग हैं? अभी FIR लिखी जा रही है, इसमें अब तक 17 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं और भी लोगों का आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, जो CCTV फुटेज के आधार पर दिखेगा, और अन्य लोग जो मौके पर मौजूद थे, और इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो अपराध है एपिडेमिक एक्ट और महामारी एक्ट के अंतर्गत, साथ ही जो 307 अन्य जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।